माता की। मेरे साथ आप एक नारा बुलवाइए, आज के लिए नरेंद्र मोदी और क्या है, जय जवान जय जवान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय जवान जय जवान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान। सूर्योदय की वेला हो और बेंगलुरु का ये नजारा हो, देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है, वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया, दुनिया के हर कोने में, न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था, तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा, जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए, लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं
कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह जो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये भारत का भविष्य है। मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय, जवान जय, जवान अब जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वहां पर पहुंचे हुए मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहा है। निश्चित तौर पर जब पीएम मोदी कहीं पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा ही माहौल वहां पर क्रिएट हो जाता है, जहां पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। तो इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने से ठीक पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु के लोगों को संबोधित किया, क्योंकि बेंगलुरु के लोगों को संबोधित किया क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। सुबह से ही उठकर, जैसा कि पीएम मोदी ने भी जिक्र किया कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी सुबह सुबह उठकर आए थे, जिन्हें लेकर पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया और कहा कि यही वो भारत है जिसमें जीत को लेकर जश्न आज भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो रही, उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ ही जय विज्ञान जय अनुसंधान के भी नारे लगाए। पीएम ने कहा कि सूर्योदय के बेला हो और बेंगलुरु का ये नजारा हो। पीएम ने कहा कि देश में ये जो नजारा देखने को मिल रहा है, जो जश्न देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही नजारा जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ उसकी सफलता के दौरान विदेशों में भी देखने को मिला था। एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है जिसका जश्न विदेशों तक में देखने को मिला। तो पीएम ने कहा कि सभी उत्साह से भरे हैं। पीएम ने कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी दूर विदेश में था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि पहले भारत जाते ही वैज्ञानिकों से मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। पीएम ने ज्यादा ना बोलते हुए कहा कि समय उद्बोधन का नहीं है क्योंकि मेरा मन इस वक्त वैज्ञानिकों में लगा हुआ है, मैं सबसे पहले उनसे मिलना चाहता हूं। और यही वजह है कि ज्यादा कुछ ना बोलते हुए पीएम आगे बढ़ चुके हैं। अब वो इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक जीत का जश्न आज भी देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत ने चांद पर इतिहास रचा है। चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 हमारा पहुंच चुका है और वहां पर अमिट छाप छोड़ते हुए भारत का तिरंगा परचम लहराते हुए वहां पर चंद्रयान 3, जिसका जोश और जीत का उत्साह आज भी लोगों में देखने को मिल रहा है। और जब विदेश यात्रा से पीएम मोदी वापस भारत लौटे तो ये उत्साह और भी ज्यादा डबल हो गया। और यही वजह है कि सुबह सुबह तड़के का वक्त, जब लोग अपने बिस्तर पर रहना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं, उस दौरान ये लोग उठकर आए हैं और कुछ छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं।